रक्षा क्षेत्र में भारत जल्द से जल्द पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए तत्पर है, जिसके चलते अब भारतीय नौसेना के बेड़े में 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इसी के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस को $2.5 अरब के ऑर्डर देने की तैयारी है। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख युद्ध पोतों को ब्रह्मोस से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि नौसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के युद्धपोत संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण किया था। विध्वंसक युद्धपोत कोलकाता से छोड़ी गई इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर लगा है। स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सफल परीक्षण के बाद भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अब ब्रह्मोस मिसाइलों को स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर से लैस करेगी। दरअसल सीकर किसी भी मिसाइल का सबसे जरूरी यंत्र होता है। ये मिसाइल की सटीकता को तय करता है, यानी मिसाइल टारगेट पर 100% सटीकता से हमला कर पाएगा या नहीं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी देश किसी अन्य देश को जानकारी नहीं देता। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करती है जिन्हें पनडुब्बी, युद्धपोतों, युद्ध विमानों या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 2.8 मैक है, जो ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिसाइल की मारक क्षमता को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया है। भारतीय उद्योग और निर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी कई प्रणालियों को उन्नत और स्वदेशी बनाया जा रहा है। भारत ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। पिछले वर्ष जून में भारत ने फिलीपींस के साथ इन मिसाइलों की आपूर्ति का $37.5 करोड़ का सौदा किया था। अतुल रानी की अध्यक्षता वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित $5 अरब के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।